वन क्लास से लेकर बीए क्लास तक हमने सिवान शहर में डीएवी हाई स्कूल, डीएवी कॉलेज सब यहीं हम पढ़े हुए हैं और सब समाज से मिली जुली रह चुके हैं और पढ़ाई के बाद भी मिली जुली रहते हैं, इसलिए जनता हमको लाइक कर रही है। अच्छा, अभी जब चुनाव का दौरा चल रहा था, नॉमिनेशन भी हो चुका था, आप लोग क्षेत्र भ्रमण भी कर रहे थे, अचानक अंकुश लग गया, लेकिन एक सवाल है कि कितना। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है पकोलिया नगर वार्ड में। आपको बता दें कि हमारे साथ एक समाज सेवी जुड़े हुए हैं जो समाज के लिए कई सालों से लगातार प्रयास करते आ रहे हैं और इस बार इनकी भावे चुनाव मैदान में उतरी हैं चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में, जिनका नाम है सुनीता देवी। भावी चेयरमैन प्रत्याशी सुनीता देवी की तरफ से निवेदक है संजय ठाकुर जी, जो समाज सेवी के रूप में लगातार प्रयास कर रहे हैं शिवानगर परिषद क्षेत्र के वासियों के लिए। आज महापर्व छठ है, इसके उपलक्ष्य में हमारी टीम पहुंची है पकोली नगर वार्ड में और यहां पर सर्वे की तो उन्होंने समाज के लिए किस तरह से बेहतर काम किया है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले संजय जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर प्राइम न्यूज पे। आपके चैनल के माध्यम से मैं सिवान नगर वासियों को एवं सिवान जिला के जनता को छठ पूजा के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। संजय जी, आपकी भावे चुनाव मैदान में उतरी हैं, भावी चेयरमैन प्रत्याशी हैं और चुनाव तो ठप पड़ा हुआ है, अंकुश लगा हुआ है, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि उसी नॉमिनेशन पे, उसी विचारधारा पे चुनाव होगा, तो इस पे कुछ अपना राय देना चाहेंगे? यही राय देना चाहेंगे कि अभी कोर्ट की न्यायालय की बात है और सरकार की बात है जी। ठीक है, सुनने में आ रहा है कि 31 दिसंबर के पहले चुनाव हो जाएगा, छठ बाद हो सकता है। जो कमेटी बनी है वो कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपेगी चुनाव आयोग के पास, तो चुनाव आयोग डेट निकालने के लिए तत्पर तैयार है। चलिए, धन्यवाद। एक व्यक्ति और जुड़े हुए हैं, इनके परिवार से बड़े भाई हैं और कहने का मतलब है कि ये आर्मी में है और ये देश की सेवा करते हैं और अपने पैतृक मकान यानी कि अपने आवास पे पहुंचे हैं, इनके बड़े भाई हैं, उनसे कुछ हम दो शब्द जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका भी सर स्वागत है हमारे चैनल पे प्राइम न्यूज़ पे। क्या कहेंगे, आपके भाई हैं समाज सेवी संजय ठाकुर जी और आपकी बहू तो कह सकते हैं या भोवे कह सकते हैं, जो कि चुनाव मैदान में उतरी हैं सुनीता देवी जी। सबसे पहले तो आपका चैनल को बहुत बहुत छठ के शुभकामना और बधाई देंगे और बहुत अच्छा है ये अभी मैदान में उतरे हैं और इनको एक मौका देने के प्रयास जनता करे। हम यही जनता से अपील करेंगे कि साफ छवि के इंसान को जिताया जाए और जिताने के बाद जो इन्होंने वादा किया है उस पर खरा उतरने के काम करेंगे। धन्यवाद संजय जी। हम देख रहे हैं कि बीते कुछ महीनों में आपका नाम चर्चा का विषय बना हुआ है, इतने कम समय में, मतलब आपने जब चुनाव मैदान में बहुत कम समय से आप आए हुए हैं, अब बहुत लोग 6 महीने 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि आप 2-3 महीने से तैयारी करके और अपने नाम का चर्चा सिवान नगर वासियों के लिए छोड़ दिया है, आपके नाम चर्चा का विषय बन गया है और आपकी जो कैंडिडेट है सुनीता देवी के भी नाम आ रहा है, तो किस कारण आ रहा है, किस मुद्दे पे आपका नाम आ रहा है? देखिए, मेरा पढ़ाई लिखाई सब शहर से हुआ जी। वन क्लास से लेकर बीए क्लास तक हमने सिवान शहर में डीएवी हाई स्कूल, डीएवी कॉलेज सब यहीं हम पढ़े हुए हैं और सब समाज से मिली जुली रह चुके हैं और पढ़ाई के बाद भी मिली जुली रहते हैं, इसलिए जनता हमको लाइक कर रही है। अच्छा, अभी जब चुनाव का दौरा चल रहा था, नॉमिनेशन भी हो चुका था, आप लोग क्षेत्र भ्रमण भी कर रहे थे, अचानक अंकुश लग गया, लेकिन एक सवाल है कि कितना प्रतिशत आपको लग रहा था कि चुनाव मैदान में आप लोग सबसे आगे हैं या कितने पैदान पे आप हैं, ऐसा कुछ आप धारणा आप लोग निकाले थे, क्योंकि आपका मूवमेंट काफ़ी जोरों शोर से दिखाई दे रहा था? देखिए, यहाँ हम कैसे, ये तो जनता मालिक हैं जी, जनते हैं साफ से भी इंसान को चुनाव जिताएगी, अपना गुड फेयर में ले रही है जनता, जितना प्रत्याशी आए हुए हैं उनको जनता जो है समझ चुकी है। अब जनता गोलबन हो रही थी उस समय चुनाव पर अंकुश लग गया। चलिए, और भी बात करेंगे आज महापर्व छठ को लेकर, हमारे देशवासियों को, जिलेवासियों को और समस्त नगरवासियों को किस तरह की शुभकामनाएं देना चाहेंगे अपनी तरफ से, अपने प्रत्याशी की तरफ से? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सिवान नगरवासियों को मेरे तरफ से छठ पूजा के, हिंदुओं का महापर्व छठ पूजा के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं। तो ये रहे संजय ठाकुर जी, समाज सेवी हैं और इनकी प्रत्याशी जो सुनीता देवी, भावी चेयरमैन प्रत्याशी, मैदान में उतरी थी।